हे गाइज वेलकम बैक। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सैमसंग गैलेक्सी M51 में आपको नोटिफिकेशन लाइट देखने को नहीं मिलता, तो कैमरा के आर ऑन नोटिफिकेशन लाइट कैसे इनेबल करें। तो यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग स्टाइल में आपको नोटिफिकेशन लाइट कैमरा के अराउंड इनेबल करने का यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं और ये नए फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक मैसेज भी मैं सेंड करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक मैंने मैसेज सेंड किया है सैमसंग गैलेक्सी M51 को, और उसके साथ यहाँ पे देख सकते हो नोटिफिकेशन जो मैसेज है वो भी आपको दिखेगा, और उसके साथ कैमरा के अराउंड एक लाइट भी आपको घूमता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो गाइज, नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, AOD Notify प्रो वाला वर्जन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और प्रो वाला डायरेक्ट वर्जन आपको प्ले स्टोर में देखने को नहीं मिलेगा। सो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे आना है, मदन गायकवाड़ ऐसे सर्च करना है, यहाँ पे हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे मैं ये एप्लीकेशन अपलोड कर दूंगा। वैसे तो आपको इसका लाइट वर्जन प्ले स्टोर में देखने को मिलेगा, पर इस लाइट वर्जन में आपको बहुत सारे फीचर्स मिसिंग देखने को मिल जाते जो आप यूज़ नहीं कर पाओगे, इसलिए ये प्रो वाला वर्जन मदन गायकवाड़ टेलीग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेटिंग्स है वो भी आपको कम्प्लीटली देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है, और ये मेरे पास प्रो वाला वर्जन है। और गाइज प्लीज़, मैं यूट्यूब पे इसका डायरेक्ट लिंक शेयर नहीं कर सकता। सो सबसे पहले जो भी परमिशन मांगता है ऊपर के सभी परमिशन आपको अलाउ करने हैं, और सिलेक्ट ऐप्स में आपको सारे ऐप्स सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन एक्सेस का भी परमिशन यहाँ पर आपको दे देना है। उसके साथ नीचे और आपको ड्रॉ स्क्रीन या ड्रॉ नोटिफिकेशन ऐसा परमिशन है वो भी अलाउ करना है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर जो मैं ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इंस्टॉल AOD के ऊपर भी आपको इनेबल कर देना है, और उसके बाद आपको डन करना है। डन करते आपको एप्लीकेशन का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन में आना है, ऐप्स में सारे एप्लीकेशन को आपको इनेबल करना है सिलेक्ट ऑल पे जाके। उसके साथ यहाँ पे आना है, फिर आपको नोटिफिकेशन लाइट, और यहाँ पे आप अलग अलग स्टाइल चूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप इसको करना है आपको कैमरा इज या कैमरा इज ही आपको सिलेक्ट करना है। और उसके साथ कैमरा इज आप जैसे ही सिलेक्ट करते हो उसके साथ आपको नीचे इफेक्ट्स में आना है, और जो इफेक्ट्स आपको पसंद आता है वो चूज़ करना है। सो गाइज, यहाँ पे आपका प्रो वाला वर्जन नहीं रहेगा तो आपको ओनली ऊपर के दो इफेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो ये मेरे पास प्रो वाला वर्जन है, और इसका लिंक मैंने आपको बोला है कि मदन गायकवाड़ टेलीग्राम ग्रुप के चैनल के ऊपर ही बस मिल जाएगा। उसके साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन प्रीव्यू में आप यहाँ पे नोटिफिकेशन डिस्प्ले टाइम वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आएगा उसको पूरी तरीके से शो कर सकते हैं, या नोटिफिकेशन ओनली नोटिफिकेशन किसका आया है ये शो करके पूरा नोटिफिकेशन का जो इंफॉर्मेशन है उसको आप हाइड कर सकते हैं। सो इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर आपको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, ओनली ऑन नोटिफिकेशन या हाइड ऑन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये दो ऑप्शन में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं आप। और यहाँ पे हर एक एप्लीकेशन का जो नोटिफिकेशन आता है उसका जो रिंग लाइट बनेगा उसका कलर भी आप अलग अलग या डिफरेंट कलर यहाँ पे रख सकते हैं। जो कलर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है वैसा आप रख सकते हैं। जैसे कि मैसेज के ऊपर मैंने रेड या ग्रीन यहाँ पे रखा हुआ है। उसके साथ चेक कर लेना कि तीनों भी सेटिंग्स, मतलब जो ऊपर के टॉप 3 सेटिंग्स है, वो पूरे के पूरे इनेबल हो। सो इनेबल होने के बाद यहाँ पे सिंपली आप चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एक मैसेज सेंड कर देता हूँ, और उसके साथ मुझे फेसबुक का भी नोटिफिकेशन आया है तो ये कैसे शो होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन ऑफ हो गया, और उसके बाद ये शो हो रहा है नोटिफिकेशन। सो गाइज, ये फीचर आप नॉट ओनली सैमसंग गैलेक्सी M51 सारे सैमसंग के फ़ोन में इनेबल कर सकते हैं। सो गाइज, ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेशनल लगा हो तो जरूर लाइक करना। उसके साथ चैनल को यार ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और क्या आपके पास कौन सा सैमसंग का फ़ोन है मुझे जरूर कमेंट करके बताना। जय हिंद दोस्तों।